नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रात में 6 वर्षीय मासूम संग घर के सामने सामने से उठाकर दुष्कर्म किया गया है। करीब 1 घंटे बाद परिजनों ने घर से कुछ दूर पर एक गड्ढे से बच्ची को बुरी हालत में पाए। परिजनों के अनुसार पीड़िता बच्ची घर के बाहर रात में करीब 10 बजे निकली थी, तभी मौका पाकर गाँव का ही एक युवक उसे उठा ले गया। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की टीमें लगा दी गई हैं। वहीं पीड़िता मासूम को महिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक मासूम संग दुष्कर्म ने एक बार फिर आजमगढ़ को शर्मसार कर दिया है। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि मासूम घर के बाहर ही टॉयलेट को निकली थी, तभी बिंदु नाम का युवक जिसे बच्ची पहचानती थी वह मासूम को उठा ले गया। घर से कुछ दूर पर ही एक गड्ढे में घटना को अंजाम देकर भाग निकला। उधर देर तक बच्ची के वापस न आने पर परेशान परिजन जब ढूंढने लगे तो वह गड्ढे में मिली। चड्डी करके फेंक दिया था। क्या हुआ था, पूरी घटना बताओ। बता दो बोला क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ, बता दो। आई आई मुंह बांध के ले वाला ने बता दो क्या हुआ था। हाँ सर, ले गला ना आईने दुआरे से गड्ढा में, का कही ना कि मुंह बांध के नहीं, और गड्ढा में लड़की के हमरे उठा ले गए ना, उठा के ले जाके चड्डी निकाल के आप पूरा अपन जैसे मर्जी ले वैसे कही ना। आ जब हमार लोग वहाँ पहुँचल गए, पकड़ो धर भाग गई ना, वहाँ पता ना चलल, खोज सब छान मार निकल पूरा सिंगान, लेकिन था पता ना चलल, आ अभी तक ना पता चलल है। अब एक लिए कौन आगे करवाई आप लोग बढ़ाई दिया जा। ये घटना है 10:30 बजे की, 10:30 बजे पूरी घटना हुआ कि हम रहनी ना घर में सो रहनी, और लड़की के हमरे का कही ना कि बाथरूम करे निकसल और निकाल के लेके चल गई ना, लेके भाग गई ना, भाग गई ना मुँह बांध के। आ हम लाचार हो गई नी, हमारे मालिक कहाँ कहाँ लड़की कहाँ लड़की, तो हम कहने की लड़की हम सोले रहनी है तब सुतल हुई, कहा ना है इतना में वो अपन फरार हो गए लेके नहीं। अब 1 घंटा 1.5 घंटा अब जवान भी लगल हो खा लड़की के हमारे लेके अपन वहाँ का पत्र, जब हल्ला दंगा होके लगा तो छोड़ के भाग गए। थाना मुबारकपुर के उजौली गाँव में कल रात 9:15 बजे के आसपास एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने की जानकारी मिली है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है, FIR दर्ज करी गई है। अभी तक सर मेडिकल कोई कागज अभी थाने से नहीं आया है। मेडिकल का कागज भेज दिया गया है, FIR जब हो गई है उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा गया है। बच्ची जो है महिला अस्पताल में है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।